ये नेगेटिव मार्किंग के साथ 50% की जो कंडीशन क्वालिफाई करने के एग्जामिनेशन को लगाई जा रही है एचपीएससी के द्वारा अपने विभिन्न एग्जामिनेशंस में, यह बेहद गलत है। ये ना केवल पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर, एडीओ, टेक्निकल लेक्चर, बल्कि आने वाले जितने भी एग्जाम है सब में देखा जा रहा है कि ये कंडीशन लगा रहे हैं। ये कैसी गंदी साजिश है हरियाणा सरकार कि यहां आप ये कंडीशन लगाकर आधे एक चौथाई अभ्यर्थी भी पास नहीं कर रहे हैं, लेकिन हरियाणा कौशल रोजगार निगम में 50-50 अंक बांटे जा रहे हैं। ये बेहद गंभीर सवाल है और मैं आरोप लगाती हूं हरियाणा सरकार के ऊपर इसका कि आप जानबूझकर अपनी छवि अच्छी करने के लिए, दिखाने के लिए ये दिखा तो रहे हैं कि हम भर्ती निकाल रहे हैं। देखो, हमने एडीओ की भर्ती 12 साल बाद निकाली, हमने एडीओ अभ्यर्थियों की मांग मान ली, उनकी पक्की भर्ती निकाल दी, 600 भर्ती निकली, 600 कैंडिडेट चाहिए थे लेकिन उसको उत्तीर्ण 57 ही अभ्यर्थी कर पाए क्योंकि आपने कंडीशन ही ऐसी डाल रही थी। फिर उसके बाद आपने पेपर ऐसा बनवाया था कि कोई उसे पास ही ना कर पाए, नॉन अटेम्प्टेबल सब पेपर आपने बनवा दिया, तो जाहिर से बात है कोई उसे उत्तीर्ण नहीं कर पाया। 57 अभ्यर्थी वाइवा के लिए बुलाए गए हैं, इंटरव्यू के लिए बुलाए गए हैं, 600 पोस्ट की इंटरव्यू के लिए 57 अभ्यर्थी, वे अभ्यर्थी जिसमें सीनियर रिसर्च फेलोशिप, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, पीएचडी कर रहे अभ्यर्थी तक फेल हुए हैं ऐसा एग्जामिनेशन, वे अभ्यर्थी जो हमारी एक रेप्यूटेड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इंडिया की ही नहीं एशिया की, उसका एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लियर करके आ गए, साइंटिस्ट तक के एग्जामिनेशन क्लियर कर पा रहे हैं, लेकिन एचपीएससी का, हरियाणा का, एडीओ का एग्जामिनेशन क्लियर नहीं कर पाए। तो या तो अभ्यर्थी नालायक हैं या एग्जामिनेशन लेने वाले शातिर हैं, चालाक हैं। आपने जो ये कंडीशन डाली है इससे क्या बात, केवल हरियाणा के अभ्यर्थी तो नहीं एग्जाम दे रहे थे, ये तो ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम था, 20,000 बच्चे बैठे थे इसके अंदर, केवल 57 ही क्लियर कर पाए। आप इंटेलिजेंट हैं ज्यादा या वो नालायक हैं? आप जानबूझकर ऐसी कंडीशन डाल रहे हैं, हरियाणा सरकार का कॉलर साफ रहे कि देखो हमने तो भर्ती निकाली थी, हम तो अपने युवाओं के बारे में सोचते हैं, उनके रोजगार के बारे में सोचते हैं, लेकिन युवा ही नालायक हैं, वही पेपर ना क्लियर कर पाए तो उसमें हमारी क्या गलतियां, हमने तो पोस्ट निकाली थी। तो आप ना ऑल इन ऑल युवाओं को एंगेज रख रहे हैं, दैट इज The only purpose जो दिख रहा है। अदरवाइज आप यदि रिक्रूटमेंट करने की मूड में होते या आपके रिक्रूटमेंट करने की पक्की भर्ती करने की मंशा होती तो 600 के 600 क्लियर होते, 600 पदों पर भर्ती होती, ये नहीं कि 600 में से 57 पदों पर भर्ती हो रही है। ऐसे ही टेक्निकल लेक्चरर, ऐसे ही पीजीटी में करोगे 3800 पोस्ट निकाल के 1500 एक लगा दोगे, 1500 मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया है, लगाने की तो आपकी मंशा है ही नहीं। तो चाहते क्या हैं आप एग्जैक्टली, क्या करेंगे खाली सीटें छोड़कर? सरकारी ठेके से भरेंगे, बैकडोर एंट्री करेंगे? यस, बैकडोर एंट्री है ये, कोई मुझे डर नहीं है ये कहने में कि ये बैकडोर एंट्री नहीं है, ये बैकडोर एंट्री है जी, क्योंकि आप जिनको लगा रहे हो पारदर्शिता पारदर्शिता तो चिल्ला रहे हो लेकिन उनकी क्वालिफिकेशन तो आप बता ही नहीं रहे हो, क्वालिफिकेशन तो आपने छुपा ली है। हाँ, अपने मुंह से पारदर्शिता पारदर्शिता जरूर चिल्ला रहे हो, आपकी इन हरकतों की वजह से जो पढ़े लिखे मेरिटोरियस बच्चे हैं हरियाणा के वो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, मानसिक तौर पे ना बीमार होते जा रहे हैं आपकी इन हरकतों की वजह से। करना क्या चाहते हैं, परमानेंट भर्ती करनी है, 600 पोस्ट है, लगाओ ना सबको, जानबूझ के ऐसी कंडीशन डालने का अर्थ क्या है, लगाना ही नहीं चाहते हो तुम लोग परमानेंट। सीधी सी बात यह है, आपने पता नहीं किसी और प्रदेश का मॉडल यहां पर लागू करना है हरियाणा में लाके, और कुछ नहीं है मंशा। मंशा अगर होती तो बच्चे बेरोजगार ना घूम रहे होते, डिपार्टमेंट मर्ज करने पे लगे हुए हैं, खत्म करने पे लगे हुए हैं पोस्ट हर जगह से, जहां पे परमानेंट लगाने चाहिए वहां लगा नहीं रहे हैं, पोस्टें खाली छुड़वाए जा रहे हैं, जानबूझ के ऐसी ऐसी कंडीशन डाल रहे हैं, फिर ऐसा रद्दी पेपर बना देंगे कि बस कोई उसे क्लियर ना कर पाए। ऑल इंडिया लेवल के बच्चे एचयू का एंट्रेंस क्लियर कर सकते हैं लेकिन एचपीएससी का एडीओ का पेपर नहीं क्लियर कर सकते, कमाल की बात हो गई, क्या बात। ये जो ऐसी शातिराना चाले हैं ना, ये सबको समझ में आ रही है, पढ़े लिखे हैं यहां पे बच्चे मूर्ख नहीं है। ये जो सीटें खाली छोड़ के बाद में एचकेआरएन के माध्यम से भरने की कवायद की जा रही है ना, सबको नजर आ रही है आपकी मंशा, सबको नजर आ रही है, क्रिस्टल क्लियर है,
आप पारदर्शी तो हैं लेकिन अपनी मंशा के मामले में और किसी मामले में पारदर्शी नहीं है। पारदर्शी होते तो क्वालिफिकेशन बताते ना जो लगाए हैं, कहां बता रहे हैं। यहां तो आपको 50% चाहिए अंक, नेगेटिव मार्किंग चाहिए, लेकिन एचकेआर में 50-50 नंबर बांट रहे हैं बिना बात के। आपको कोई मतलब सूटेबल कैंडिडेट नहीं मिलता 5-5, 10-10 वालों की भर्ती में, तो वही सूटेबल कैंडिडेट आपको एचकेआरएन की भर्तियों में मिल जाते हैं। कमाल कर रखा है हरियाणा सरकार, क्या चाहते हैं। इतना किसी पढ़े लिखे बच्चे को, इतना जो हार्ड वर्किंग बच्चा है जो तैयारी कर रहा है उसे फ्रस्ट्रेट नहीं करते हैं। आई एम सीरियसली टेलिंग यू, दिस इज वेरी वेरी रॉन्ग। मेंड योर वेज प्लीज। ये कंडीशन हटाइए पीजीटी में से, असिस्टेंट प्रोफेसर में से, ये 50% और नेगेटिव मार्किंग दोनों इकट्ठी, ये आपकी मंशा बता रही है कि आपने भर्ती पूरी करनी ही नहीं है। या एडीओ में बताया जा रहा है कि 57 में से 10-12 ही हैं एचएयू के, तो हमारी के सारे बाहर के हैं। क्या है हरकतें। टेक्निकल की जो सिविल और मैकेनिकल वो जितनी पोस्टें देखी थी उनमें सब बाहर के भरे हुए हैं। देना उनका विद रेजिडेंस, बताएं उनको क्या आपने किया है वहां पे। आप हरियाणा के अभ्यर्थियों के नहीं हैं, आप परमानेंट नौकरी के पक्ष में नहीं है, कर क्या रहे हैं। हरियाणा का बेड़ा गर्क होता जा रहा है। प्लीज प्लीज फॉर गॉड से हाथ जोड़ती हूं मैं, करें कुछ युवाओं के लिए। युवा फ्रस्ट्रेट हो रहा है।